हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग आप सभी को। आपका अपना चैनल यूट्यूब बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एवरेज का क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉपिक बाय टॉपिक मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, जो कि एवरेज का आपका क्वेश्चन लेंगे। मात्र 5 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्षमता रखते हैं हम लोग। मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप इत्मीनान से पूरा वीडियो देखने का कोशिश करेंगे। चलिए मैं आप लोग के बीच मोटिवेट लाया हूँ। चलिए क्या है, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। यदि आपने हिम्मत कर लिया तो क्या कहते हैं कि बड़े बड़े लोग भी आपके सामने सर झुकाएंगे। इसीलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या करे, शोर मचा दे। आप लोग जिस भी सेक्टर में, मान लीजिए आपको जॉब इस सेक्टर में, CHSL में चाहिए, MTS में चाहिए या ग्रुप डी में चाहिए, तो जान लगा दो। ये 20 दिन आपके पास है। ये 20 दिन में आपके यदि पापा जी भी यदि आते हैं गेट पे खटखटाने के लिए, गेट खटखटाने के लिए, पापा को भी बोलिए कि 20 दिन हमको, 20 दिन पापा से भी मुँह बोल लीजिए और 20 दिन पापा से भी बात मत कीजिए। मतलब कि आपके यदि गेट पर आपके दोस्त आते हैं उनको भी डायरेक्ट मना कर दीजिए, क्योंकि आपकी ग्रुप डी की एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको यदि आपके दोस्त या भी कोई भी सर्किल में आपको बुलाते हैं तो आप डायरेक्ट ना कहें और अपने अपने एम पे पूरा जी जान लगा दें। क्योंकि आपको सफलता चाहिए तो पूरा ताकत लगा देना है। तो मैंने क्या कहा है, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। आपको हिम्मत करना है और आपके पड़ोसी के बगल में क्या करना है, डीजे को बजा देना है इस बार। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 5 कर्मागत सम संख्या का औसत 40 है। 5 कर्मागत सम संख्या का औसत 40 है और सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद मैं मात्र 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसका बेसिक क्या है, क्या करा क्वेश्चन, 5 कर्मागत सम संख्या का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, संख्या क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। संख्या 5 कर्मागत संख्या एक्स हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया, एक्स प्लस 4 हो गया, एक्स प्लस 6 हो गया, एक्स प्लस 8 हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ 40। औसत में क्या होता है, कुल संख्या बटे गिनती की संख्या। संख्या आपका 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया, इसको 5x प्लस हो जाएगा कितना, 4 2 6 6 6 12 12 20 हो गया, यहाँ पर हो गया 40 × 5। अब देखिए 5x बराबर हो गया 200 में आप 20 घटा दिए, आपका 5x बराबर हो गया 180। इसको कटाएंगे तो कितना समझ पड़ जाएगा, 5 × 15 5 × 6 30, मतलब 36 आ जाएगा, जो कि आपका छोटी संख्या आ जाएगा कितना, 36 आ जाएगा। अब मैंने इसको क्या बोला था कि मैं इसको ट्रिक से बताएंगे, मात्र 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व देखिए कैसे होगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए 40 जो है, ये देखिए 40 जो है आपका क्या संख्या है, सम संख्या। 40 सम संख्या, आप 5 कर्मागत सम संख्या लेना है। तो 40 से पहले क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 40 के बाद क्या आ जाएगा, 40 के बाद 42 आ जाएगा। 38 से पहले क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा और 42 के बाद में क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। गिनती कीजिए 1 2 3 4 5। अगर आपको छोटी संख्या पूछेगा तो 36 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछेगा 44 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, ये क्या है, 3/4 5/8 7/12 15/16 में औसत ज्ञात करें। औसत निकालने में क्या होता है, औसत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पदों का योगफल बटे कुल संख्या, पदों का योगफल बटे कुल संख्या आपका औसत हो जाएगा। तो चलिए पदों का योगफल बटे कुल संख्या या पदों की कुल संख्या, ये भी लिख सकते हैं पदों की कुल संख्या। तो पदों का योगफल देखिए क्या है, 3/4 प्लस है 5/8 प्लस है 7/12 प्लस 15/16, टोटल कितना व्यक्ति है, 1 2 3 4 व्यक्ति है। अब देखिए 4 8 12 16 का एलसीएम तो आप लोगों को पता होगा, जो बच्चा जानता है, 4 8 12 16 का एलसीएम क्या है, 48 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 12 × 48 हो गया, 12 × 36 हो गया, 8 × 48 हो गया, 5 × 6 30 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 12 × 48 ये हो जाएगा
28 हो गया, प्लस का हो गया 16 13 45 हो गया, इनटू हो जाएगा। देखिए ये भाग में आती है क्या, गुणा हो जाएगा इसके बराबर चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 5 13 13 6 कितना हो गया, 13 6 19 9 बचा कितना, 1 5 2 7 3 10 3 13 139/8 32 16 3 19 139/192 जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, क्या कहा है, एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि उनमें उस कक्षा में अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दी जाए तो औसत वर्ष औसत में एक वर्ष बढ़ जाती है। यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर दिया औसत में एक वर्ष बढ़ जाती है, कक्षा में अध्यापक की आयु ज्ञात करें, चलिए अध्यापक की आयु निकालना, देखिए मैंने क्या बोला था आपको, अध्यापक की आयु निकालना है, अध्यापक की आयु निकालना है, टोटल देखिए कक्षा में कितना औसत आयु 20 छात्र का औसत आयु 21 है, 21 है, उसके बाद क्या करा 20 छात्र है एक और अध्यापक आ गए, तो 20 के बाद कितना हो गया 21 हो गया, 20 छात्र थे एक और आ गए कितना हो गया 21 हो गया। तो चलिए अध्यापक की कुल आयु क्या हो जाएगा, 21 प्लस 21 करेंगे कितना हो जाएगा 42 वर्ष हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष, एक कक्षा में क्या कह रहा है 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, औसत आयु क्या हो जाती है एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें, अध्यापक की आयु ज्ञात करें, तो चलिए अध्यापक की आयु निकालना है, तो अध्यापक की आयु क्या लिखेंगे औसत प्लस अध्यापक की आयु ऐड करेंगे, तो देखिए औसत निकालेंगे, सबसे पहले कितना दिया 25 छात्रों का औसत आयु कितना दिया 10 वर्ष दिया हुआ है, 25 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष दिया हुआ है, अब देखिए क्या हो जाएगा, चलिए 25 छात्रों का औसत आयु कितनी है 10 वर्ष, यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो अध्यापक की आयु को शामिल करेंगे कितना 25 था मेंबर एक और बढ़ जाएगा 25 के बाद 26 हो जाएगा, कितनी अध्यापक की कुल आयु निकालेंगे 26 गुणा 1 कर देंगे, अध्यापक की कुल आयु 26 गुणा 1 हो गया, अब अध्यापक की आयु निकालेंगे 10 प्लस 26 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 2 3 कितना हो जाएगा 26 वर्ष हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 50 प्राकी संख्या का औसत ज्ञात करें, पहले 50 प्राकी संख्या का औसत ज्ञात करें, तो पहले क्या करेंगे, पहले n प्राकी संख्या का औसत हो जाएगा कितना n प्लस 1 बाय 2 कहने का अर्थ हो गया कितना हो जाएगा 50 प्लस 1 बाय 2 बराबर 51/2, तो 25.5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएंगे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 7 संख्याओं का योगफल 250 है, भाई 7 संख्या योगफल 250 है, पहली 3 संख्या का औसत 120 है, पहली 3 संख्या का औसत 120 है और चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा, अंतिम 3 संख्या का औसत निकालना है, तो चलिए अंतिम 3 संख्या निकालिए, 3 संख्याओं का कुल मान निकालेंगे, 3 संख्याओं का कुल मान आपका कितना हो जाएगा 120 * हो जाएगा 120 × 360 हो गया। अब देखिए 3 संख्याओं का अंतिम संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम 3 संख्या का योग बराबर हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा कितना 1050 माइनस का हो जाएगा कितना 360 प्लस हो जाएगा कितना चौथी संख्या आपका 126 दिया हुआ है, प्लस हो गया 126, अब हो गया 1050 माइनस का हो जाएगा कितना 6 हो गया 6, तो 10 में से 6 गया 4 बच गया, यहाँ बच गया कितना 14 में से 8 जाएगा 814, यहाँ बच गया 9 में से 4 गया 5। अब देखिए मैंने क्या बोला लास्ट में, क्या बोला 3 संख्याओं का औसत निकालना है, 3 संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से 564 में 3 से भाग दे देंगे, अब भाग देने को आती होगी आप लोग को, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 * 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 * 8 = 24 आपका आंसर आ जाएगा 188, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 1 9 7 3 5 6 4 2 8 का औसत निकालना है, तो औसत निकालना तो आपको लग रहा है करवा लेते हैं क्या, सबसे पहले इसको सजा दीजिए, 1 आ गया, 1 के बाद 2 आएंगे, 2 के बाद 3 आ जाएंगे, 3 के बाद क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे,
पांच पांच आ जाएंगे, पांच डबल पांच है, पांच लिख लिया, उसके बाद क्या है सिक्स है, उसके बाद फिर क्या है सिक्स के बाद सेवन है, सेवन के बाद एट है, एट के बाद नाइन है। अब देखिए औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाय टू कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट आपका वन है, लास्ट कितना है नाइन है, तो वन प्लस नाइन बाय टू आपका कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।